बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू का रायता। हमें चाहिए कद्दू, बॉयल करके रखा हुआ मैंने पहले से, कद्दू का शिका दिए। दो खीरे हैं काट के रख दिए बारीक, एक प्याज है कद्दूकश किया है, सब्ज़ मिर्च है दो काट के रखी हुई है बारीक, दो टमाटर है मैंने बारीक काट दिए और गुदा निकाल लिया अंदर से। आधा किलो दही है, आधा किलो दही मैं डाल रही हूँ बॉल। हसबे जायका नमक डालूंगी, ब्लैक पेपर हाफ चम्मच, अब मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। मैं प्याज डाल रही हूँ, खीरा डाल रही हूँ, सब कुछ मिक्स करके कद्दू ऐड करेंगे। कितना प्यारा कलर आ गया, ग्रीन व्हाइट रेड। मैंने कद्दू बॉयल करके रख दिया, ठंडा हो गया ना, अब मैं दही में मिक्स कर रही हूँ। ये गर्मियों की सौगात है, कद्दू बहुत अच्छा लगता है, कद्दू का रायता। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा बन रहा है। कद्दू का रायता हमारा तैयार हो गया, ये देखिए माशाल्लाह बड़ा मज़े का बना है। ये गर्मियों की सौगात है। अब मैं साइड पे रखती हूँ और कद्दू के पकौड़े बनाती हूँ, बताती हूँ कैसे बनते हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ कद्दू के पकौड़े। जैसे आधा किलो कद्दू लिया मैंने, कद्दू का छिका लिया, एक प्याज मैंने कद्दू का छिका लिया है। ये देखिए अब मैं डालने लगी बॉल में, धो के मैंने खुशक कर लिए थे। अब मैं बेसन डाल रही हूँ हाफ कप, आपसे दो एक कप भी डाल सकते हैं। नमक हाफ चम्मच, सुर्ख मिर्च हाफ, गरम मसाला घर का पिसा हुआ हाफ चम्मच। चले अब मैं मिक्स करूंगी हाथ से। के पानी अभी इसमें है, इतनी देर से मैंने खुश करके रखे हुए थे। बड़े मज़े के बनते हैं पकौड़े, चिकन जैसा जायका आता है। थोड़ा सा बेसन और डालती हूँ, हल्के फुल्के पकौड़े बनते हैं, बड़े मज़े के क्रिस्पी बन जाते हैं। चले अब मैं घी में फ्राई करती हूँ। अब मैं सब्ज़ धनिया डालने लगी, सूखा धनिया कद्दू में नहीं मैं डालती, वो आलू में डालती हूँ सूखा धनिया। मिक्स हो गए हैं, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ घी में। घी हमारा गर्म हो जाए फिर मैं कद्दू के पकौड़े फ्राई करती हूँ। घी हमारा गर्म हो गया, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ पकौड़े। बिस्मिल, ये बड़े मज़े के बनते हैं कद्दू के पकौड़े, क्रिस्पी बनते हैं, आलू से ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ये चिकन जैसा मज़ा आता है। इसका टेस्ट भी मुख्तलिफ होता है। हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पकौड़े, ये देखिए।
देखिए बड़े मज़े के बन रहे हैं, पकौड़े गोल्डन हो रहे हैं। कद्दू ज़्यादा टाइम लेते हैं, आलू जल्दी हो जाते हैं। बनते हैं बड़े मज़े के हैं। कद्दू के पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं, अब मैं निकालने लगी हूँ। ये देखे कितने प्यारे गोल्ड हो गए हैं, ये देखे माशाल्लाह बड़े मज़े के बने हैं पकौड़े, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। ये देखिए हम पकौड़े डाल रही हूँ घी में, इसमें हमारे फ्राई हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ। ये तो खस्ता बनती है, खस्ता बड़े मज़े के बनते हैं पकौड़े। अभी कद्दू के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए मैं देखने लगी हूँ। ये देखिए अभी अच्छी तरह नहीं हो रहे। जैसे फ्राई होते हैं तो मैं निकालती हूँ। रेडी होने वाले हैं कद्दू के पकौड़े, ये देखिए बड़ी मज़े के बन रहे हैं कद्दू के पकौड़े। रायते के साथ खाएं और प्लीज़ घर पे भी ट्राई करें। गोल्डन हो गए हैं, अब मैं उतारने लगी हूँ। बड़ा प्यारा कलर आया है इसका। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये देखें बस थोड़ी देर बाद मैं उतारती हूँ। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं, अब मैं उतारने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह गोल्डन हो गए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बड़े मज़े के बने हैं पकौड़े, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। चाय के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। कद्दू के पकौड़े और कद्दू का रायता हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए बड़े मज़े की बनी है दोनों चीज़ें। मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे नई वीडियो को देखने के लिए, घंटी का बटन दबाएं। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।